इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर चिदंबरम की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी आज। आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। तो आपको बता दें कि चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने यह अर्जी दाखिल की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आज अर्जी दाखिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट में आज चुनौती दी जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अमित दुबे हमसे जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है कपिल सिब्बल की तरफ से, क्या लगता है, क्या जमानत मिल पाएगी चिदंबरम को या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए चिदंबरम के वकीलों की कोशिश होगी कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले सके। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार इस बात की कोशिश की गई थी कि चिदंबरम की जमानत। जी जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में पहले चुनौती दी गई थी जहां हाई कोर्ट ने मामले को बहुत संगीन बताया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और इसी यही एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें जमानत नहीं दी गई है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कल कपिल सिब्बल जो कि पी चिदंबरम के वकील हैं, उन्होंने याचिका डाली थी जिस पर आज सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिर चिदंबरम को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। सबसे पहले बड़ी चीज है कि 17 अक्टूबर तक जो है वो पी चिदंबरम जो है वो न्यायिक हिरासत में है। हालांकि कल राउस एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो काफ़ी कुछ उन्हें ढील मिली है, जिसमें उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि जेल में उनके लिए घर का खाना अलाउ होगा। ये उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया था कि वो जेल का खाना नहीं खा सकते और तब इस पर सीबीआई ने भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज की थी और इस वजह से उन्हें जेल में घर के बने खाना खाने की इजाज़त मिल गई। हालांकि वो खाना सिर्फ एक ही बार दिया जा सकता है जेल में। और अब क्योंकि 17 अक्टूबर तक चिदंबरम न्यायिक हिरासत में, जो जाहिर तौर पे उनके वकील हर हाल में कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत दिलाई जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभी तो तमाम जानकारियों को बताने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया कि अब 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में है पी चिदंबरम और उनके वकील कपिल सिब्बल जो है वो लगातार उनको बेल दिलाने की जमानत उनकी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में अब जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट को। तो जिस प्रकार से लगातार आपको बता दें कपिल सिब्बल जो वकील है पी चिदंबरम के, उन्होंने अर्जी दाखिल की है जमानत की और आज उसकी सुनवाई हो रही है। अब देखना यह होगा क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला जो होगा वो हाई कोर्ट के पक्ष की तरह देगा या फिर जमानत जो है वो अर्जी स्वीकार की जा सकती है। और इसी बीच